हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और आज चलिए बनाते हैं ये सुंदर सा प्लांटर और इसको हम बनाएंगे घर के बेकार सामान से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह के जो मग्स होते हैं या कप्स होते हैं बेकार के प्लास्टिक के, हम फेंक देते हैं, अधिकतर यूजलेस होते हैं और हमारे घर में सामान के साथ आती रहती हैं ऐसी चीज़ें। इसका यूज़ किया है बेसिकली, और मैंने ये एक और बॉक्स ले लिया है जो बेकार है। इसमें मैंने व्हाइट सीमेंट ऐड किया है थोड़ा सा, और व्हाइट सीमेंट के साथ ही पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैंने इसमें मिक्स कर दिया और पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे। और ये मेरे पास ग्लव है, वो मैंने पहन लिया है क्योंकि ये हाथ को थोड़ा रफ कर देता है। और ये फेविकॉल भी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और फेविकॉल मिक्स करने के बाद ये जो हमारा मग है, कप है, इसको हम धीरे धीरे करके इसके ऊपर ये जो हमारा सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स करके बनाया है उसको धीरे धीरे हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे और इसको धीरे धीरे पूरी तरह कवर कर देंगे। और मार्केट में इस तरह बहुत महंगे मिलते हैं, इस तरह के पॉट्स जो हैं आप ऑनलाइन भी महंगे मिलते हैं और मार्केट में भी महंगे मिलते हैं, लेकिन आप इस तरह से घर के वेस्ट सामान से इसको बनाकर अपने घर को बहुत ही सुंदर से सजा सकते हैं, अपने मनपसंद कलर इस पे कर सकते हैं और मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से कवर कर लूंगी और मैं आपको बताना भूल गई, इसमें नीचे आप इसको कवर करने से पहले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल है उसको कवर करने से पहले नीचे इस मग में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो छेद ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप प्लांटर बना रहे हैं, अगर कुछ और बना रहे हैं तो उसके लिए छेद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है और मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन देखिए मैंने इसको रात भर सुखाया है और इसमें क्रैक पड़ गए। कोई बात नहीं, अगर आपका में भी क्रैक पड़ जाता है इस तरह से तो बस आप इसको फिर से थोड़ा सा सीमेंट और पीओपी का मिक्सचर बनाइए और इसको फिर से एक पतली लेयर से हम कवर कर रहे हैं। और अगर कोई पैटर्न बनाना चाहे तो इसी टाइम पे, आप जब ये गीला है उसी टाइम पे कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। मैं आपको कुछ पैटर्न बताऊंगी भी, लेकिन मैं इस पे पैटर्न नहीं बना रही हूँ, मैं इस पे कुछ और ही डिजाइन बनाना चाह रही हूँ। वैसे तो मार्केट में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारे स्टेंसिल्स आते हैं, बहुत सारे स्टैंप आते हैं जिसके थ्रू आप बना सकते हैं, लेकिन मैं घर के सामान से ही आपको बनाना बताऊंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और मिक्स किया है और पानी वाला हाथ ऊपर इस पे लगा रही हूँ जिससे ये इवन हो जाए, बिल्कुल अच्छे से इसको पकड़ लेगा ये, और इसके बाद इसमें अब क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने इसमें ये जो नेट आती है जिसमें वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, उसको ले लिया है। और इस तरह से आप इसके ऊपर रख के इसका भी पैटर्न आप इसको दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। इसको बस प्रेस कर दीजिए और उसके बाद नेट को हटा के इसको सूखने के लिए रख दीजिए, उसके बाद सुखा लीजिए। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन आ गया है इसका भी। इसी तरह से आप घर की बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके इसके ऊपर पैटर्न बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़, देखिए इसको मैंने फिर से पानी वाला हाथ हल्का सा करके इवन कर लिया है। और ये है मेरे पास पेन के पीछे वाली साइड जो होती है उसका, देखिए फ्लावर जैसा डिज़ाइन आ जाएगा। कहीं में फ्लावर बना होता है, कहीं में ऐसे भी डिज़ाइन बना होता है। इस तरह से भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा चाहे आप डिज़ाइन वैसा बना सकते हैं। इस पे फ्लावर का भी पैटर्न बना सकते हैं आप, और जो भी चाहे वो कर सकते हैं इस तरह से। और पेन के कैप की हेल्प से भी ऐसे दूर दूर करके राउंड शेप्स आप बना सकते हैं इस तरह से भी। और स्केल से देखिए इस तरह से वो स्क्वायर्स छोटे छोटे बना के डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही डिज़ाइन बनाना चाह रही हूँ, अपने आप कुछ डिज़ाइन करना चाह रही हूँ। ये छन्नी हमारे घर में होती है, उससे भी आप इस पे पैटर्न बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है इसका भी। और साइड्स में भी ऐसे ही बना दीजिए। तो बस इसको ऐसे ही सूखने के छोड़ दिए, जैसा भी आप पैटर्न चाहें। मैंने इसको सुखा लिया है और ये देखिए पूरी तरह से सूख चुका है। और बस अब इसके ऊपर मेरे पास है सैंड पेपर, मैंने ले लिया है, इससे मैं इसको थोड़ा सा घिस लूँगी जिससे ये और भी चिकना हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा एकदम। तो इस पे जब हम पेंट करेंगे, पेंट अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही स्मूथ आएगा, बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से बस इसको थोड़ा थोड़ा हम जैसे पेंटर्स होते हैं वो करते हैं, घर में पेंटिंग का काम चलता है उस टाइम पे हमारे पास बच जाते हैं कई बार ये सैंड पेपर होते हैं, तो उससे मैंने इसको इवन कर लिया है और बहुत सस्ता आता है वैसे तो ये। तो बस इस तरह से इसको मैंने अप्लाई किया और ये देखिए कितना अच्छा हो गया, एकदम स्मूथ हो चुका है। अब इस पे अभी इसका पाउडर निकल रहा है, तो ये मेरे पास एक्रेलिक कलर है वाइट, सबसे पहले मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको प्लेन कलर कोई भी करके कहीं भी घर में सजा सकते हैं, कोई भी प्लांट लगा सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए व्हाइट पेंट करके मैंने इसको सुखा लिया है। अब मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ येलो कलर। जी हाँ, येलो मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं इस पे येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ। और देखिए मैंने ये एक कार्डबोर्ड का पीस और ये एक टेप ले लिया है, ये पेपर टेप है, इस पे मैंने ये देखिए इस तरह से निकाल के पैटर्न बनाने के लिए कट करके टेप को चिपका दिया है। और स्केल की हेल्प से मैं इसका हाफ कर रही हूँ, बीच में से मैंने टेप को कट कर लिया है और ये बहुत ही ईजिली निकल आता है क्योंकि ये पेपर टेप है। और बस इसको निकाल के ये जो हमारा जो हम पॉट बना रहे हैं उसके ऊपर मैंने इस तरह से लगा दिया। इसको मैं थोड़ा सा मेजरमेंट लेते हुए पूरे पे मैंने इसको कवर कर दिया इस तरह से, और इसके दूसरी साइड से भी इसको कवर कर दिया है जिससे ये डायमंड शेप बन जाएगा पूरे में।
तो मुझे उस तरह का शेप चाहिए था, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चाहिए था, इस तरह का पैटर्न मैं डिज़ाइन करना चाह रही थी। बस अब इसके ऊपर मैंने ये एक फोम का टुकड़ा ले लिया है, उसके ऊपर ये ब्लैक कलर लिया है, इससे मैं उसको पूरा कवर कर लूँगी। जी हाँ, ये वही है जिससे आप बर्तन धोते हैं, वही है ये फोम का पीस। और बस इसको मैं इस तरह से पूरे पे कवर कर लूँगी और इसको अच्छे से सुखा लेंगे। बस जब ये सूख जाएगा इस तरह से तो टेप को निकाल दीजिए और देखिए कितना सुंदर पैटर्न बनता है। आप चाहें तो कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई और भी पैटर्न बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा। और बस देखिए इस तरह से कितना सुंदर बन गया। और लास्ट में इस पर एक कोट वार्निश करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे ये शाइन भी आ जाएगी और अगर इसके ऊपर पानी पड़ेगा तो इस पर ये कलर निकलेगा नहीं। एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं, फिर भी अगर पानी पड़ता है तो कई बार निकल जाते हैं कलर ज़्यादा पानी पड़ने पर, लेकिन अगर आप वार्निश यूज़ करेंगे तो ये कलर पक्के हो जाएंगे। और देखिए इस तरह से मैंने इसको वार्निश करके घर में सजा लिया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप बनाए तो बताइएगा कि ये कैसा बना। थैंक यू।